कोई च्यवनप्राश, कोई एनर्जी ड्रिंक, कुछ भी नहीं। जो कुछ भी है वो भले च्यवनप्राश है या भले कितनी ये इम्यूनिटीज बढ़ाने की बातें होती हैं। कोविड के बाद ये शब्द खूब प्रचलित हुआ, इम्यूनिटी, और कईयों ने इसका बड़ा लाभ भी लिया कि हमारा ये प्रोडक्ट जो है ये इम्यूनिटी बूस्टर है। और हमने कहा कि ये जो भगवान का प्रोडक्ट है भगवद गीता, ये विश्व का सबसे बड़ा मेंटल इम्यूनिटी बूस्टर है। तुम अपने अपने निकालते रहो झूठे सच्चे, ये प्रोडक्ट इम्यूनिटी बूस्टर, ये प्रोडक्ट इम्यूनिटी, निकालते रहो। बहुत लाभ लिया लोगों ने हर बात में, इम्यूनिटी इम्यूनिटी बूस्टर। और हमने कहा तुम कितने भी इम्यूनिटी बूस्टर बना लो, लेकिन गीता के सामने सब फीके, सब फीके। विश्व का सबसे अद्भुत इम्यूनिटी और मेंटल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये गीता है। गीता का एक एक मंत्र है, एक एक श्लोक है गीता का। तो व्यर्थ की चिंताओं में नहीं, मन के लिए कुछ नहीं दुनिया के पास, और वो कहां से जब मन को मानते ही नहीं। पूरे पाश्चात्य जगत में बाबा जी भी कई देशों में गए, मन की कोई बात ही नहीं करते, केवल बस शरीर था। मार्केट में जाके देख लो, जो मिलेगा शरीर के लिए ही तो मिलेगा। किसी शॉपिंग मॉल में जाकर देखना, पूछना, कहना कि मेरा मन बहुत कमजोर रहता है, कौन सा काउंटर है जहां से मन के लिए कुछ मिल जाए, कोई दवा, कोई दवाई, कुछ नहीं। वो तो अपने आप केवल यही साधन है कि नाम जाप करो, पाठ करो, गीता अपनाओ, वहां से मिलेंगे सूत्र कि चिंता में नहीं जियो, तनाव में नहीं जियो। हर बात को टेंशन और इरिटेशन बनने की अनुमति नहीं दो। ये आजकल खूब हो रहा है, ये सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन दुविधाएं भी बढ़ रही हैं, है सच्चाई या नहीं? सुविधाएं बढ़ रही हैं लेकिन समस्याएं भी बढ़ रही हैं, सच्चाई है या नहीं? जितनी सुविधाएं बढ़ रही हैं शारीरिक समस्याएं भी बढ़ रही हैं, मानसिक समस्याएं भी बढ़ रही हैं, और कहीं ना कहीं सामाजिक विद्वेष, दुविधाएं ये भी समाज में बढ़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखें, हर बात को अपनी टेंशन या इरिटेशन बनने की अनुमति नहीं दें, मन कमजोर हो जाएगा, और मन कमजोर होगा तो जीवन को किसी भी तरह से अच्छे से नहीं जिया जा सकेगा। इसलिए मन को समझाओ, मन को कहो कि मेरे मन जो तेरे वश का है तू प्लान कर, लेकिन उसके बाद टेंशन नहीं ले, जो उसका काम है उस पर छोड़।